वायरल फीवर, वायरल फीवर एग्जैक्टली क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, बच्चों में इसका क्या असर होता है, क्या दवाई खानी चाहिए, एग्जैक्ट इलाज क्या है, कितने दिन चलेगा ये फीवर, आइए इस सब के बारे में आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर जिसको हम कॉमनली कहते हैं, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉमन कोल्ड या फ्लू के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली इसके सिम्टम्स होते हैं जुकाम होना, नाक बहना, गला ख़राब हो जाना, थोड़ा थोड़ा सांस फूलना और तेज़ बुखार आना, कभी कभी ठंड लगने के साथ। बहुत अलग सिम्टम्स जिससे कि हम अलग बीमारियों का डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे छाती में बहुत तेज़ दर्द होना जो कोविड का मेन सिम्टम है, लॉस ऑफ स्मेल हो जाना कंप्लीट जो अगेन कोविड का सिम्टम है, बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द होना जो डेंगू का सिम्टम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होना यानी कपकपी होना जिससे मलेरिया की तरफ ज़्यादा जाता है, उनका हमें ध्यान रखना है। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो कॉमन कोल्ड अनलाइकली है, लेकिन फिर भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। यूजुअली कॉमन कोल्ड 5 से 7 दिन चलता है और धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसका मेन इलाज है रेस्ट और हेल्दी खाना। तो सूप पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ठंडी और खट्टी चीज़ें अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा बोलचाल अवॉइड करिए, और ऑफिस या स्कूल बिल्कुल मत जाइए। जितनी देर घर में बिस्तर में रहेंगे उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। बच्चों में ये फीवर कई बार बहुत खतरनाक रूप भी ले सकता है, तो अगर बच्चे को 2 या 3 दिन से ज़्यादा 100-101 से तेज़ बुखार चल रहा है तो अपने आप ट्रीटमेंट ना करें और डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। बाकी लोग यूजुअली सिंपल एक पैरासीटामोल से ठीक हो सकते हैं। आप पैरासीटामोल की गोली दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं जब तक फीवर आ रहा है बार बार। और अगर बहुत ज़्यादा जुखाम है, बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, तो एक एंटी एलर्जिक साथ में ले सकते हैं, सिंपल सी टैबलेट, जिससे कि जुखाम ठीक हो जाएगा। स्टीम ज़रूर लेते रहें, स्टीम लेते हुए उसमें थोड़ी सी विक्स भी डाल सकते हैं। गरारे ज़रूर करें गर्म पानी से, गरारे में कभी नमक भी डाल सकते हैं, डिस्प्रिन की गोली भी डाल सकते हैं, बीटाडीन गागल्स आते हैं वो भी डाल सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसका मेन इलाज है रेस्ट और हेल्दी डाइट। तो आराम करें, गर्म गर्म चीज़ें खाएं पिए, हल्का खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें और तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। फ्रूट्स में भी ठंडे जो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं उनको थोड़ा दिन अवॉइड करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो रेस्ट करें और जल्दी ठीक होकर अगले हफ्ते ऑफिस में मिलेंगे।